हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश गंगवार एंड टुडे आई हैव ब्रॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट विद इट्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये पार्ट आपके यूपी बोर्ड के क्लास 10th में दिया गया है एंड बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, बिकॉज इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं उनमें थोड़ा सा एडिटिंग करके मैंने उनको थोड़ा शॉर्ट किया है और कुछ जो शब्द एक्स्ट्रा थे उनको मैंने रिमूव किया है, इजी वर्ड्स का प्रयोग किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस उन्हें मिलती रहेंगी और वो उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज होरेस डैनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। यानी ये क्वेश्चन नहीं, एक स्टेटमेंट है कि होरेस डैनबी एक अच्छा और सम्मानित नागरिक था। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि अच्छा था या नहीं था, कैसा था, ये हमको ही बताना है। एंड द आंसर इज होरेस डैनबी वॉज अ लॉक मेकर। होरेस डैनबी एक लॉक मेकर था, ताले बनाता था वो। ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड। वह 50 वर्ष का था। हिज बिहेवियर वॉज एक्सट्रीमली गुड। उसका व्यवहार बहुत ही अधिक अच्छा था। ही वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। और उसका जो लॉक मेकिंग का बिजनेस था, ताले बनाने का व्यवसाय, उसमें उसके साथ दो सहायक थे और उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। He was considered a respectable citizen. उसे सभी लोग एक सम्मानित नागरिक के रूप में जानते थे। But he was not completely honest. लेकिन वह पूर्णतया ईमानदार नहीं था। As he broke open a safe every year. क्योंकि वह हर साल तिजोरी तोड़ता था। To fulfill his hobby of buying rare and expensive books. अपना एक उसने शौक पाल के रखा था एक अद्भुत और महंगी किताबों को खरीदने का। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया कि ईमानदार था या नहीं था, सम्मानित कैसा था। क्वेश्चन दो की ओर चलते हैं। व्हाट वाज होरेस डैनबीज हॉबी। होरेस डैनबी की हॉबी क्या थी। अभी पहले क्वेश्चन के आंसर में हमें थोड़ा बहुत पता चल ही चुका है। हाउ डिड ही मैनेज टू फुलफिल इट। और वो उसको पूरा करने के लिए कैसे व्यवस्थित करता था, यानी कैसे मैनेज करता था। इसका जवाब है होरेस डैनबीज हॉबी वॉज टू कलेक्ट एंड रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। यानी महंगी और असाधारण किताबें इकट्ठा करना और उनको खरीदना, उनको पढ़ना और खरीदना होरेस डैनबी का शौक था। ही सीक्रेटली बॉट दीज बुक्स थ्रू एन एजेंट। और वह एजेंट के माध्यम से उन किताबों को खरीदता था। ही डिड नॉट अर्न मच मनी फ्रॉम हिज लॉक्स बिजनेस टू बी एबल टू परस्यू हिज हॉबी। यानी अपने शौक को पूरा करने के लिए उसके ताले बनाने के काम में बहुत ज़्यादा उसको पैसा प्राप्त नहीं हो पाता था। देयरफॉर ही ड्रॉप्ड अ सेफ एवरी ईयर टू अरेंज फॉर मनी फॉर बाइंग बुक्स। इसलिए वह हर साल किताबें खरीदने के लिए, पैसे जुटाने के लिए एक तिजोरी लूटता था। यानी ईमानदार इतना था कि एक साल में एक ही तिजोरी लूटता था। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड होरेस मैनेज द स्मॉल डॉग एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। अब बात करते हैं शॉर्ट ओवर ग्रेंज, जहां पर वो मकान बना हुआ था। तो उसमें एक छोटा सा कुत्ता था मकान मालिक का, तो उसको उसने कैसे मैनेज किया। व्हेन होरेस एंटर्ड द हाउस ही सॉ अ स्मॉल डॉग लाइंग इन द किचन। जब होरेस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था। इट स्टर्ड एंड मेड अ नॉइस। तो ये थोड़ा सा हिला डुला और ये थोड़ा सा आवाज़ भी करने लगा। होरेस शोड हिम अफेक्शन एंड कॉल्ड हिम बाय हिज नेम। यही हमारा एक राइट आंसर है इन शब्दों में छुपा हुआ। होरेस ने उस कुत्ते को प्यार से, ठीक है, उसको स्नेह दिखाया और उसे उसके नाम से बुलाया। Thus he managed to calm the dog। और इस प्रकार वह कुत्ते को शांत करने में कामयाब हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वर फ्लावर्स हाइंडरिंग होरेस इन हिज वर्क? होरेस के काम में फूल कैसे बाधा डाल रहे थे? तो आंसर है, होरेस हैड हे फीवर। होरेस को हे फीवर था, यानी कि एक प्रकार का नज़ला जुकाम। व्हेन ही एंटर्ड शॉटओवर ग्रेंज ही फाउंड दैट देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स इन द ड्राइंग रूम। जब वह शॉटओवर ग्रेंज यानी उस मकान में घुसा था तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा बाउल रखा हुआ था जिसमें फूल थे रखे हुए, यानी कि गमला टाइप का। फ्लावर्स टिकल्ड हिज नोज एंड मेड हिम स्नीज ट्वाइस। तो फ्लावर्स के जो परागकण उड़ते हैं तो उससे उसकी नाक में थोड़ा एलर्जी हुई, खुजली जैसी हुई, और उससे दो बार वह छींका। द साउंड ऑफ हिज स्नीज मेड द यंग लेडी इन रेड कम डाउन द स्टेयर्स एंड कन्फ्रंट हिम। और वह आवाज़ सुनकर एक जवान महिला लाल रंग के वस्त्रों में जो खड़ी थी ऊपर, वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इन दिस वे द फ्लावर्स हाइंडर्ड होरेसेस वर्क। और इस प्रकार से फूलों ने होरेस के काम में बाधा डाल दी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द लेडी इन रेड एडवाइज होरेस अबाउट हिज हे फीवर? यानी उस महिला ने, लाल वस्त्रों वाली महिला ने होरेस को उसके नज़ला के बारे में क्या सलाह दी? वॉज शी रियली केयरिंग फॉर हिम? क्या वह वास्तव में उसके लिए केयर कर रही थी, परवाह कर रही थी? आंसर इज, द लेडी इन द रेड टोल्ड होरेस दैट ही कैन गेट हिमसेल्फ क्योर्ड ऑफ हे फीवर बाई अ स्पेशल ट्रीटमेंट वॉज इम्पोर्टेंट टू नो। यानी लाल वस्त्रों वाली महिला ने होरेस से कहा कि उसे नज़ला से छुटकारा पाना पड़ेगा बाई अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी एक विशेष इलाज। और इलाज जानने के लिए ये महत्वपूर्ण था जानना विच प्लांट ट्रिगर्स द डिजीज़, यानी कौन से पौधों से उसे एलर्जी होती है। एंड देन इट वॉज़ पॉसिबल टू क्योर द डिज़ीज़, और तब बीमारी का इलाज होना संभव हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा कि उसने क्या सलाह दी। अब बात करते हैं, क्या वह वास्तव में परवाह कर रही थी या कुछ और था? शी एडवाइज हिम टू सी अ डॉक्टर, उसने उसे एक डॉक्टर देखने की भी सलाह दी। नो द लेडी डिड नॉट केयर फॉर होरेस, यानी नहीं, उस महिला को होरेस की कोई परवाह नहीं थी। शी जस्ट वॉन्टेड टू अर्न हिज ट्रस्ट एंड यूज हिम फॉर हर ओन विग्ड इंटेंशंस। वह केवल होरेस का भरोसा जीतना चाहती थी जिससे कि वह अपने बुरे इरादों में उसका इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि लंबा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, बल्कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ है, उसको आप अच्छे से समझ के जवाब दीजिए। व्हाट आर द सबल वेज इन विच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव होरेस डैनबी into thinking that she is the lady of the house? यानी ऐसे कौन से बारीक तरीके थे जिससे उस महिला ने होरेस को धोखा देने में कामयाबी पाई कि वह सोचे कि वह महिला ही उस मकान की असली मालकिन है? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? और होरेस को बिल्कुल भी संदेह क्यों नहीं हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है? तो आंसर है, the lady spoke with confidence। वह महिला बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, क्योंकि अगर कोई बाहरी व्यक्ति या चोर होता तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उसे ऐसा लगा। शी वॉज ऑल्सो फैमिलियर विद द डॉग शेरी, वह उस घर के शेरी नाम के कुत्ते से भी परिचित थी पहले से ही। शी सेड दैट शी हैड रिटर्न्ड शॉर्टली, उसने ये भी कहा था कि मैं बिल्कुल अभी अभी वापस घर पर लौट के आई हूँ। She then threatened him with the idea of prison. उस महिला ने उसे जेल के डर से भी धमकाया। Because of her confidence and behavior, Horace could not suspect that something was wrong. तो उसके कॉन्फिडेंस, उसके विश्वास और व्यवहार की वजह से Horace को संदेह हो ही नहीं पाया कि कुछ तो गड़बड़ है।
ही बिलीव्ड हर टू बी द लेडी ऑफ द हाउस, उसने यकीन कर लिया कि ये महिला उस मकान की मालकिन है। क्वेश्चन 7, व्हाट डज द फ्रेज ऑनर अमंग थीव्स मीन? ऑनर अमंग थीव्स इस वाक्यांश का क्या अर्थ है? व्हाई डज होरेस गेट एंग्री एट दिस फ्रेज? और होरेस को इस वाक्यांश पर गुस्सा क्यों आ जाता है? तो बात करते हैं ऑनर अमंग थीव्स। ऑनर अमंग थीव्स मीन्स ट्रस्ट वर्दीनेस विद इन अ ग्रुप दैट इज नॉट कंसिडर्ड ट्रस्ट वर्दी टू आउटसाइडर। ऑनर अमंग थीव्स का तात्पर्य है कि एक ऐसा ग्रुप जिसको बाहर के लोग विश्वास पात्र नहीं मानते हैं, तो वो कम से कम आपस में विश्वास पात्र तो बन के रहें। जैसे कि चोर चोर आपस में कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी एक चोर दूसरे चोर की कभी भी क्या करेगा, सहायता ही करेगा, उसे पकड़वाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर उसे पकड़वा दिया जाता है। अच्छा, दो डाकू होते हैं तो एक डाकू दूसरे डाकू की मदद ही करेगा। तो यहाँ पर ऑनर अमंग थीव्स का तात्पर्य यही है। लेकिन होरेस क्यों चले जाता है, तो ये देखते हैं। द लेडी प्रॉमिस टू लेट होरेस गो इफ ही वुड टेक द ज्यूल्स आउट फॉर हर। यानी उस महिला ने होरेस से ये वादा किया था कि अगर वह तिजोरी से गहने निकाल कर उसे दे देगा तो वो उसे घर से जाने देगी, पुलिस को नहीं पकड़े, मतलब नहीं पकड़वाएगी। बट शी डिडंट कीप हर प्रॉमिस एंड 3 days लेटर होरेस वॉज कॉट फॉर रॉबरी एट शॉट ओवर ग्रेंज। लेकिन उस महिला ने अपना वादा नहीं निभाया। अभी वादा तो तब निभाती जब वो असली मालकिन होती, वो तो खुद ही एक चोर थी। तो तीन दिन बाद होरेस को शॉट ओवर ग्रेंज में डकैती के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। द लेडी डिडंट कीप द ऑनर अमंग द थीव्स। उस महिला ने चोरों के बीच में होने वाले विश्वास को नहीं रखा, यानी उसने विश्वास तोड़ दिया था। दैट्स वाई होरेस गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स ऑनर अमंग थीव्स। इसलिए होरेस को तब तब बड़ा गुस्सा आता है जब भी उससे कोई कहता है ऑनर अमंग थीव्स। ठीक, एंड दिस इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। होरेस डैनबी वॉज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फाल्टर्ड। होरेस डैनबी एक बहुत ही चतुर योजना बनाने वाला था, लेकिन फिर भी वह फेल हो गया। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई? उससे गलती कहाँ और क्यों हुई? तो बात करते हैं। होरेस डैनबी वॉज राइटली अ मेटिकुलस प्लानर। होरेस डैनबी वास्तव में बहुत ही बारीकी से प्लानिंग करने वाला व्यक्ति था। ही प्लान केयरफुली ईच ईयर बिफोर स्टीलिंग। हर साल डाका डालने से पहले बहुत ध्यानपूर्वक वह योजना बनाता था। बट ही फॉल्टर्ड, लेकिन इस बार वह लड़खड़ा गया। ही कुडंट सी थ्रू द इंटेंशंस ऑफ द लेडी थीफ एट द हाउस। यानी उस मकान में जो महिला चोर थी, वह उसके इरादों को समझ नहीं पाया। ही वॉज सो स्कैर्ड ऑफ बींग कॉट एंड सेंट टू प्रिजन। वह जेल जाने के डर से इतना ज़्यादा भयभीत हो गया दैट ही ब्लाइंडली बिलीव्ड व्हाट द लेडी सेड टू हिम, कि उसने महिला के द्वारा कही गई सभी बातों पर बिल्कुल अंधे बनकर विश्वास कर लिया। हिज फियर मेड हिम ब्लाइंडली ट्रस्ट द लेडी एंड द फियर वॉज द रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ हिज प्लान। यानी कि यहाँ पर फियर, जो बहुत से पहले वो फियर पहले रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस महिला ने जो आंखें बंद करके उस महिला पर भरोसा किया होरेस ने, यही कारण था उसके प्लान की असफलता का। बात करते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। डू यू थिंक होरेस डैनबी वॉज अनफेयरली पनिश्ड? क्या आप ये मानते हैं कि होरेस डैनबी को गलत सज़ा मिली और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट, या फिर जो सजा उसे मिली वो वास्तव में डिजर्व करता था? तो देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। आई थिंक होरेस डैनबी वॉज फेयरली पनिश्ड। मैं सोचता हूँ कि होरेस डैनबी को सजा सही मिली, एंड गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड, और उसे वही मिला जो उसे मिलना चाहिए था, क्योंकि चोरी की योजना तो उसने बनाई ही थी, चोरी तो वो कर ही लेता। इट इज़ ट्रू दैट ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल थीफ एंड स्टोल ओनली वंस अ ईयर। यानी ये तो सच बात है कि वह एक प्रोफेशनल थीफ नहीं था, एक पेशेवर चोर नहीं था, और हर साल केवल एक ही चोरी करता था।
बट अ थीफ इज़ अ थीफ, लेकिन चोर चोर होता है, नो मैटर फॉर व्हाट पर्पस और हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी ही शी स्टील्स। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस उद्देश्य से और कितना पैसा वह चुराता है या चुराती है। तो ये थे हमारे 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसको देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को, गरीब बच्चों को ज़रूर शेयर करें, जैसे कि उस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल टाइम।